प्लान हो गया है कि हम जा रहे हैं बस पकड़ने पताया के लिए। तो अभी हम लोग कार में बैठे हैं भैया मैं, ये कैब बुलाई थी ग्रैब से। और ये कुछ, चलो मैं बस टर्मिनल पहुंच के अब दिखाता हूँ कि क्या मिलता है, टिकट वहाँ पे कैसा क्या होता है, जो भी है सब बताऊंगा। तो आज है डे 2 पटाया में और डे 7 मेरा थाईलैंड में। और हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, अभी होटल से निकले हुए थे और अभी देखते हैं कुछ मिलता है खाने को अच्छा तो खाएंगे फिर। और मेरे पीछे जोमतिन बीच और टुक टुक बोलते हैं, तो इसमें जा रहे हैं। 10 बात पर पर्सन है, आप जहाँ तक भी जाओ जाइए, जहाँ तक भी जा रहे हैं। तो आगे का मैं वीडियो शूट करके बताऊँगा हम कहाँ क्या खाने जा रहे हैं। यही है जोमतिन बीच, जो कि सेंट्रल पटाया से बहुत दूर है। अगर आपको नाइट लाइफ या फिर कुछ भी इंजॉय करना है, इंडियन फूड वगैरह, तो मैं प्रेफर करूँगा। तो ये मैं प्रेफर करूँगा इस लोकेशन में मत अपना होटल बुक करना। आप सेंट्रल पटाया या फिर वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही अपना होटल बुक करना, तो वहाँ से सब कुछ पास पड़ेगा। यहाँ से हमको कुछ 10 से 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग हैं सेंट्रल फेस्टिवल पताया का एक मॉल है सेंट्रल फेस्टिवल, इसके अंदर। और ये सेंट्रल पताया, अभी हमने इतना खाना खा लिया है कि अब कुछ खा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पेट भर गया है। और इंडियन रेस्टोरेंट था तो हमने दाल फ्राई खाया, आलू मटर खाया, रोटी खाया और चावल खाया, तो पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। अगर मेरे किसी भाई को मंथली बेसिस में ऐसा कुछ अपार्टमेंट जैसा लेना है तो यहाँ पे अपार्टमेंट अवेलेबल है। मैं रूम दिखाता हूँ कैसा है। तो ये रूम का एंट्री है, आपको यहाँ पे बेड मिलेगा, बेडशीट पिलो सब। ये 1 महीने के लिए आपको मिल सकता है। इसका रेट है कुछ 5000 बात, मतलब कि 10-10,500 रुपये में आप 1 महीने के लिए यहाँ पर रह सकते हो। और यहाँ पर सब कुछ है, एवरीथिंग, बहुत अच्छा व्यू है। बट इस रूम का इन्होंने 6000 बोला है, तो भैया वो रहना है महीने के लिए, तो वो कुछ रेट बार्गेनिंग करा रहे हैं। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है, 10 बात पर यूनिट और 40 बात पर यूनिट ऑफ वाटर। तो एक यूनिट ऑफ वाटर में 1000 लीटर होते हैं, तो उसी हिसाब से रहना है आपको। सही है, 5000 बात के हिसाब से। इस अपार्टमेंट में अभी रूम ले लिए हैं और मैं जा रहा हूँ बाहर, और मैं अपने रूम जा रहा हूँ। वैसे 13 किलोमीटर दूर है। तो आज है मेरा पताया में डे 3 और ये है जोमतिन का एरिया, जोमतिन बीच जहाँ पे मैं स्टे करता हूँ। कि मैं जा रहा हूँ कोरल आइलैंड की तरफ, यहाँ से मुझे पताया बीच की तरफ जाना पड़ेगा पहले जोमतिन से, जो कि अभी मैं टुक टुक लूँगा, 10 बार दूंगा उसको। और फिर देखो टुक टुक आ गई, टुक टुक आ गई, उसमें बैठता हूँ मैं। फिर आगे का दिखाता हूँ मैं क्या होता है। तो मैं आ गया हूँ अभी पटाया बीच में। यहाँ से मुझे जाना है बाली हाई पियर, एक पियर है साइड में पटाया बीच के, तो वहाँ पे जाके फिर एक फेरी लेनी है 30 बात में, तो वो मुझे पहुँचाएगी कोरल आइलैंड। तो ये रहा बीच, ये पटाया बीच सुंदर है थोड़ा। और जब से मैं आया हूँ थाईलैंड में, पता है ये हो रहा है कि मतलब सन नहीं दिखता है, बस बादल ही बादल है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वेदर एकदम प्लेजेंट है, और इससे ये हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है और धूप ज़्यादा नहीं है, तो टैनिंग भी नहीं हो रही है और पसीने भी नहीं आ रहे हैं। देखो लोगो, और पटाया का जो वहाँ पे बड़ा लोगो है वो है, और इधर स्पीड बोट्स वगैरह सब है। तो मैं पियर में जाके दिखाता हूँ फिर क्या होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बोला कि यहाँ पे धूप नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी है कि पसीना आ रहा है। तो मैंने अभी कोको कोला लार्ज साइज़ का ले लिया है। तो अब थोड़ा सा दूर बचा है, मतलब 100 या 200 मीटर्स है, तो वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। फिर स्पीड बोट लेके जाऊँगा, कुछ खाना भी है, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। तो ये रहा वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट से सीधा सीधा जाना है, थोड़ी सी दूर में ही पियर मिल जाएगा। दिन दोपहर को कोई भी कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ क्लब है, तो रात को ही होता है। आप बोर्ड स्टार्ट हो गया, इस बोर्ड से मैं जा रहा हूँ। सो ये है कोह लार्न की गलियाँ, ये एक प्राइवेट आइलैंड है। Vinayagam. तो यहाँ से मैं फ्राइड चिकन ले रहा हूँ, 20 बात का है ये। और आंटी 2 पीस ले रहा हूँ, आंटी चटनी भी देंगी इसमें साथ में। खापुन खाप नो 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 राइस ओनली द चटनी यस स्पाइसी लिटिल स्पाइसी ओके यहाँ पे वेज ऑप्शन बहुत ही कम है। वेज में आपको फ्रूट्स ही मिलेगा बस, और राइस मिल सकता है, बीन्स मिल सकता है, और जो पीने वाले हैं उनके लिए तो सही जगह है। और जो चिकन एग खाता है उसके लिए भी सही है, मतलब वो स्टे कर सकता है यहाँ पे। वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन है बहुत सारे। ये कोई मार्केट है जहाँ पे फल वल मिलता है, फ्रूट्स सब्जियाँ सब चीज़ें। कैफ़ेज़ बहुत सारे हैं, रिजॉर्ट्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे थाई लोग ही आते हैं मैक्सिमम अपनी मतलब वीकेंड्स के लिए। आज जैसे कि फ्राइडे है तो सैटरडे संडे रहेंगे, फिर मंडे वापस। मैं तो ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, ये ख़त्म करूँगा। चिकन है और फ्रूट है, पाइनएप्पल है, बहुत टेस्टी है। पाइनएप्पल तो बहुत ज़्यादा जूसी है, मतलब जो क्वालिटी है ना 30 बात में बहुत सही है। उन लेडी ने फुल पाइनएप्पल कट करके दिया मुझे। तो यहाँ पे रिजॉर्ट एंड होटल्स ही बहुत सारे हैं। तो जैसा कि देखा मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी 90% सिर्फ थाई लोग हैं। और मुझे थोड़ी बहुत थाई आती है तो मैं इनसे कम्युनिकेट कर ले रहा हूँ। जिसको बिल्कुल भी थाई और इंग्लिश नहीं आती उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी यहाँ पर आने में। वैसा तो नहीं है लेकिन समझ जाते हैं लोग। तो मैं यहाँ आया हूँ एक बाइक देखने के लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं 150 बात। मैं बोला मैं 1 घंटे पे दे दूँगा, तो इनको बार्गेनिंग कर रहा हूँ 100 बात 5.5 तक दे दूँगा, देखते हैं देता है कि नहीं। तो ये वाली कौन सी बाइक, ये वाली दिस बाइक 2 नंबर ओके। सो हियर मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो उन्होंने 500 का डिपॉजिट लिया और 100 बात में मुझे 1 घंटे के लिए बाइक दिया है। येस येस आई कैन ड्राइव। बस यहाँ पे 5:30 बजे तक का टाइम है। मैं ज़्यादा यहाँ पे बीच में टाइम स्पेंड नहीं करूँगा क्योंकि अकेला हूँ। और बाइक 5:30 तक ही मैंने ली है। 600 बात दिए मैंने बाइक के, 500 का डिपॉजिट, 100 का क्योंकि मैं पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लाया हूँ एज अ डिपॉजिट। तो मैं बोला कैश ले लो मेरे से, मेरे को बाद में दे देना। तो फिर बोले कि 6 बजे तक लास्ट बोट रहती है, उसके बाद फिर बोट नहीं मिलती है, फिर स्पीड बोट लेना पड़ता है, महंगा पड़ता है जो। तो मैं अभी फिर दूसरे बीच जा रहा हूँ। ये बीच तो देख लिया मैं, 2-3 फ़ोटो और ले लेता हूँ, फिर वहाँ से निकल जाऊँगा। तो यही था 2 घंटे का, वापस जा रहे हैं। मैं फिर से बोट में बैठ गया हूँ और फिर से रिटर्न वही 30 मिनट्स लगेंगे वापस आने में। वहाँ से दिख रहा है वो बच्चा मेरे को छोड़ने आया था जो बाइक रेंटल ओनर का बेटा था, बहुत क्यूट सा था। तो ये जो वाटर है वो गल्फ ऑफ अंडमान है, नो गल्फ ऑफ थाईलैंड है। और ये 6 बजे लास्ट बोट होती है, उसके बाद कोई बोट नहीं मिलती है, ऐसा इन्होंने बोला मुझे। So, मैं पियर पहुंच गया हूं। अब देख रहा हूं अपने रूम जाता हूं, जाके हाथ पैर धोता हूं, उसके बाद फिर कहीं देखता हूं निकलना है कि नहीं। मौसम तो बड़ा अच्छा हो रखा है, क्लाउडी क्लाउडी है पूरा।